कभी भी इतना दूर मत भेजो कि अगर वो रोए तो उसकी आवाज हमें सुनाई ना दे। वेद हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या जानता है? देखो वो अच्छा कलाकार जरूर है लेकिन अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। मुंबई के कॉलेज से इंटरव्यू कॉल लेटर आया, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया तो मुझे वहाँ की कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जितना प्यार मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है उतना प्यार तुम्हारी आंखों में मेरे लिए क्यों नहीं? जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलोगी मैं फोन नहीं रखूंगा। प्लीज तुम्हें मेरी कसम। I love you. क्या बात है दी, सुबह सुबह अखबार देखकर नाराज हो गई थी और अभी फोन पर रोमांस। ये करण भी ना सचमुच। सुमन, उसका नाम करण नहीं प्रेम है। सॉरी दी। थी बोलो यार। वो मैं और विधि एक दूसरे से। बेटा जो मैं जानता हूं उसके बारे में नहीं, जो जरूरी बात करनी उसके बारे में बात करो। डैड विधि चाहती है कि मैं एक। बेटा विधि क्या चाहती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या चाहते हो ये फिल्म मैं बंद कर दूं, हमारी दिन रात की मेहनत हमारे सपने सब चकनाचूर हो जाए? डैड मैं देखो तुमने मुझे कहा था कि तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, कहा था कि नहीं तुमने? तो डिसाइड बेटा, तुम्हारे लिए ये सारी बातें जरूरी हैं या 150 करोड़? डिसाइड। कर रही हो क्या ये सब? नहीं देख सकती मैं प्रेम को ऐसे, नहीं देख सकती। इतने पास होके भी उसकी आंखों में मेरे लिए कोई प्यार, कोई फीलिंग्स नहीं है। इससे अच्छा तो हम फ्रेंड्स थे। क्या कहूं मैं उससे, क्या पूछूं मैं?
क्यों दूर हो गया वो मुझसे? क्यों पसंद नहीं मैं उसे? नहीं मम्मा, माफ किया मैंने उसे। एक कप झूठी कॉफी का इतना हक तो बनता है। अंकिता, प्रेम को विधि पसंद है ना? तो ठीक है, दे दिया मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड विधि को, दे दिया मैंने प्रेम को। जानते हो इस फिल्म के? नहीं करनी मुझे ये फिल्म। क्यों करूं मैं ये फिल्म? प्रेम के और करीब आने के लिए, उसको विधि से दूर करने के लिए? नहीं मम्मा, जिद करने से सारा जहान मिल जाता है, लेकिन वो जहान नहीं जिसमें आपका नाम ना लिखा। नहीं करनी मुझे ये फिल्म। एक बात सुन लेना, अगर तुम्हें कुर्बानी देनी है ना तो अपने प्यार की दो, मेरे पैसों की नहीं। नहीं करनी मुझे ये फिल्म, और ना ही मैं विधि और प्रेम के बीच में आऊंगी। फैसला सुना रही हो तुम मुझे? समझते क्या हो तुम? प्रेम वो विधि हो कौन तुम लोग? इस घर से ना एक बार, सिर्फ एक बार बाहर निकल कर देखो, इस फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर्स का काम करने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी और किस्मत घिस जाती है। एक मंदिर के बाहर भगवान के दर्शन करने के लिए जितने लोग नहीं होते ना, उससे ज्यादा लोग एक सुपरस्टार के घर के बाहर होते हैं सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। मम्मा लेकिन शट अप, लिसन टू मी। क्या कहा तुमने मुझसे? तुम इस फिल्म में काम नहीं करोगे? एक बात ध्यान से सुन लो अंकिता, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मैं 5 रुपए का रुमाल तो दे सकती हूँ, पर तुम्हारे इन आंसुओं के लिए मैं अपनी 150 करोड़ की फिल्म भूल नहीं सकती। कुर्बानी देनी है तुम्हें, विधि और प्रेम के प्यार के बीच में नहीं आना है तुम्हें। तुम जानती हो ये कुर्बानी देने की बात वो लोग करते हैं जिनमें बीच में आने की औकात नहीं होती है। ये तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें स्टार बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है, तुम्हें समझा रही है। एक बात सुन लेना, अगर तुम्हें कुर्बानी देनी है ना तो अपने प्यार की दो, मेरे पैसों की नहीं। मम्मा, 9 महीने लगे हैं मुझे तुम्हें पैदा करने में, लेकिन इस ऊंचाई तक, इस पोजीशन तक, इस पैसों तक पहुंचने में मुझे 19 साल। कितने? 19 साल लगे हैं। तुम अपने प्यार को नहीं भूल सकती? मैं अपने पति तक को भूल गई थी। Do you understand? मैं तेज भाग रही थी और तुम्हारे पापा धीरे चल रहे थे। जिंदगी साथ में जीने के लिए साथ में चलना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे पापा तेज भाग नहीं सकते थे और मैं रुक नहीं सकती थी। जिंदगी में मैं बहुत आगे निकल गई और वो कहीं दूर पीछे छूट गए। तुम जानती हो ये पोजीशन, ये पावर, ये पैसा पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और तुम क्या पाने के लिए क्या खो रही हो जानती हो तुम? एक बात समझ लो, किसी भी चीज को अगर खुले हाथों से पकड़ोगी ना तो वो सरक जाएगी। किसी भी चीज को जिंदगी भर अपना बनाने के लिए उसको दबोचना पड़ता है, तब जाके वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी बनती है, चाहे फिर वो प्यार हो या पैसा।
जब से तुम्हें देखा है मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया। सच? अच्छा, वैसे मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ। अच्छा, कौन है वो विलेन हम दोनों के बीच में? चुप। मैं ना ऐसा सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या खाना बनाऊँ, तुम्हारे लिए क्या कपड़े सिलेक्ट करूँ, और जो तुम्हें पसंद होगा ना मैं सब करूँगा। सोच लो। सोच लिया। तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो ना? तो फिर ठीक है, मुझे उस आसमान को छूना है। बताओ क्या कर सकते तुम? तुम्हें आसमान को छूना, तुम्हें तुम्हारे लिए इतना तो कर सकते, तुम्हारे पैरों के नीचे अपने हाथ। नहीं विधि, नहीं, इतना प्यार मत करो मुझसे। अरे तुमने तो मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिसमें इम्तिहान की जरूरत होती है ना प्रेम, वो सच्चा प्यार नहीं होता। और वैसे भी हम दोनों तो साथ में हैं ना, ये काफी है। लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे, तुम भी कुछ करना चाहती होगी ना अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी अब तुम ही हो फिर। विधि, हम तो जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी भर साथ रहना ही सिर्फ जिंदगी नहीं होता। मैं भी चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ करो, कुछ मुकाम हासिल करो। और मैं चाहूंगा कि जिस दिन तुम्हें उस आसमान को छूना हो ना, मैं भी अपना हाथ तुम्हारे पैरों के तले रखूं। हाँ विधि, कुछ लोग सिंदूर से मांग पूछते हैं, मैं तुम्हारी मांग को सपनों से सजा देना चाहता हूं। प्रेम, चाहो छू लो आसमान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, दूर रहकर भी। जगह तो मैं अपनी बना ही लेती हूँ, वक्त वक्त की बात। जगह वही रहती है, बस उस जगह पे बैठने वाले लोग बदल जाते हैं। जो साउथ का प्रोड्यूसर है उससे सारी पेमेंट फिल्म रिलीज होने के पहले, ठीक है? मैडम आप चिंता क्यों करती हैं? अरे 75 लाख रुपए ले चुका हूँ मैं, अभी सिर्फ 25 लाख रुपए बाकी है। और कोई भी प्रोड्यूसर 25 लाख रुपए के लिए अपना 75 लाख रुपए का नुकसान तो नहीं करेगा ना? मतलब डबिंग नहीं करेंगे और क्या। तुम भी ना जोशी बड़े कमीना हो। जानता हूँ मैडम, बिजनेस है ना, ब्राह्मण हूँ, सिर्फ लेता हूँ, देता कुछ नहीं। और वैसे रोशन की फिल्म का क्या किया तुमने? कौन रोशन? हाँ रोशन, अरे मैडम इंडस्ट्री में ऐसे कितने रोशन आए और रोशनी किए बिना ही चले गए, लेकिन जोशी वहीं का वहीं खड़ा है, जाने में सिर्फ बाल चले गए। उसकी चिंता आप मत करो, मैं हूं ना। मैडम मल्लिका जी। हाँ तो glad to meet you, करना ही पड़ेगा। स्टार Thank you.
तुम्हारी जगह नहीं है। जगह तो मैं अपनी बना ही लेती हूँ, वक्त वक्त की बात। जगह वही रहती है, बस उस जगह पे बैठने वाले लोग बदल जाते हैं। Who knows? शायद फ्यूचर में मैं इस पोजीशन पर हूँ। You never know. सोनिया, दिन में जितनी बार तुम चैलेंजेस फेंकती हो ना, उससे कई ज्यादा चिल्लर मैं टिप में दिया करती हूँ। तुम्हें याद होगा तुम मेरे ऑफिस में आई थी ऑडिशन देने। तुम्हें तुम्हारी करियर का पहला ब्रेक मैंने ही दिया है, और तुम्हें ब्रेक देकर तुम्हारी करियर मैंने बनाई है। अब जो करियर बना सकता है ना, वो करियर ब्रेक भी कर सकता है। सोनिया, जिस दिन इस चैलेंज के लेन देन में मैं आ गई ना, फिल्में तो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है, टेलीविजन के किसी रियलिटी शो में तुम्हें जज बनने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी मैं। वो तो वक्त ही बताएगा। और वैसे ये चैलेंजेस का लेन देन मैंने नहीं, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर रोशन ने शुरू किया है। नया सुपरस्टार बनाएंगे, नई फिल्म बनाएंगे। Just wait and watch, baby. जोशी जी, हमारी मल्लिका जी और रोशन जी की फिल्म फ्लोर पे जा चुकी है? अभी तक नहीं। साम दाम दंड भेद, चाहे जो करो, इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ ड्रीम रह जाना चाहिए। बोले, समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है? जी मैडम, आपने जो कहा वो भी समझा, और जो नहीं कहा वो भी समझा। चलिए मैडम। इतना हक तो बनता है मेरा कि तुमसे कहूं कि तुम पर सबसे पहला हक मेरा है। गीता, कुछ मत बोलो प्लीज, कुछ मत बोलो। छुपाओ कैसे लग चुनरी में दाग। अरे हाँ, तुमने टाइटल ट्रैक सुना? मुझे तो बहुत पसंद आया, क्या म्यूजिक है यार। हाँ, लेकिन वो लिरिक्स को लेके मैंने और डैड ने कुछ करेक्शन सोचे। गाना और भी रोमांटिक हो सकता है, यू नो, लेट्स सी। पुराने गाने कितने अच्छे होते थे ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। व्हाट आर यू डूइंग यार? कम ऑन यार, अगर ये गाना हमारी फिल्म का होता तो भी हम इतने ही नजदीक होते, वो भी 150 लोगों के सामने, और कैमरा भी चालू होता। उस वक्त हम एक्टिंग कर रहे होते, वो हमारा काम है, दैट्स आवर प्रोफेशन। लगता है वेद अंकल ने तुम्हें एक्टिंग अच्छे से नहीं सिखाई। एक्ट करने के लिए फील करना जरूरी होता है। अंकिता, प्रेम, कुछ मत कहो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पाने के लिए मैं Stop it, Angita. प्रेम? What प्रेम? यार, घर क्या रही हो तुम? हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं?
मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझ रहे थे? दोस्त है हम तो मेरी आंखों को क्यों नहीं पढ़ पा रहे थे? दोस्त है हम तो मुझे क्यों बताना पड़ रहा है कि प्यार करती हूँ मैं तुमसे? दोस्त है हम तो मुझे ये सब हरकतें क्यों करनी पड़ रही है? I love you, Prem. I love you. अंकिता मैं मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचने दो प्रेम, इतना तो हक बनता है मेरा, इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं पागल की तरह कुछ भी बोलूं और तुम सुनते रहो। इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोऊं जब तक आंसू खत्म नहीं हो जाते। इतना हक तो बनता है मेरा कि तुमसे कहूं कि तुम पर सबसे पहला हक मेरा है। कुछ मत बोलो प्रेम, प्लीज कुछ मत बोलो। बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती प्रेम, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अंकिता प्लीज। क्या पोज है? प्लीज अंकिता प्लीज रिलैक्स। हाँ प्लीज रिलैक्स। हाँ रोशन ने मुझे बताया नहीं है कि इतनी अच्छी रोमांटिक फिल्म बना रहा है ये। हीरो और हीरोइन शूटिंग के बिना एक्टिंग एक्टिंग खेल रहे हैं। चलो रोशन शूटिंग नहीं कर रहा है तो कुछ बात नहीं, मैं ये शूटिंग कर लेता हूँ। जोशी इस फिल्म का डायरेक्टर तू है। लाइट कैमरा एक्शन रोमन, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये मेरा सपना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरी मेहनत सारी की सारी सब। That means, no! क्या फायदा था तुझे? क्या? इस लड़के के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो? लड़का भी एक दिन पछताएगा, याद रखना विदी। मुझे उस आसमान को छूना है, मुझे वो शौहरत चाहिए